दोस्तों, कैसे हो सब? और उम्मीद है कि सब ठीक ही होंगे। आ चुका हूँ फिर से एक नया वीडियो में, और आज का वीडियो ना कोई व्लॉग है, ना ही कोई सोशल एक्सपेरिमेंट है, ना ही कोई एक्सप्लोरिंग चीज़ है। आज सिर्फ रिव्यू देने वाला हूँ अपना R15 V3 का, जो कि फुल मॉडिफाइड है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, और आप लोग नए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक क्लिक कीजिए। गाइस, ये है मेरा R15 V3 BS4 मॉडल, और 155cc का इसका इंजन है। तो जैसा कि मैंने बताया था, यह फुल्ली मॉडिफाई कराया गया है गाड़ी को। तो उससे पहले जो कैसा गाड़ी था, ये आपका यहाँ पर आ रहा है, देख लीजिए। और अभी देखिए कैसा गाड़ी है, चलिए दिखाते हैं आप लोग को, और पूरा रिव्यू देंगे क्या क्या लगाए हैं न्यू, क्या नहीं। चलिए आगे दिखाते हैं। तो इसका नाम लीवर गार्ड है, और ये आप लोग को बहुत ज़्यादा काम का नहीं है यहाँ पर हाईवेज पे, लेकिन ये मोटो जीबी वगैरह जो रेस होता है वो सब में बहुत काम का रहता है। क्योंकि आगे से अगर कोई टकराता है गाड़ी, तो इसका ब्रेक वगैरह जो है वो लग ना जाए, इसमें बहुत काम आता है ये। तो ये लगा भी सकते हैं आप, नहीं भी लगा सकते। तो गाइस, जो आप लोगों ने देखा उसका नाम है फ्लेम स्लाइडर, और ये बहुत आपका काम का है। आप इस अगर आपके पास है कोई भी गाड़ी, जैसे NS हो गया, पल्सर, और फिर जैसे ये आप लोगों को देखने को मिला, ये आपका बॉडी को बचाए रखता है, इसको पूरा बचा के रखेगा आपको। और बस इसका दोनों तरफ लगा है ये, और ये बहुत अच्छा काम करता है। गाड़ी आपका गिरेगी तो आपका बॉडी बच जाएगी। तो चलिए, तो गाइस जो आप लोगों ने देखा वो है मिरर इंडिकेटर, और ये रात में बहुत बहुत लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ये लगा लीजिएगा ज़रूर, अगर आप लोग अच्छा दिखाना चाहते हैं अपना R15 को, तो बहुत अच्छा लगेगा, एकदम सुंदर, जैसा कि आप लोग को दिखाते हैं आप लोग को। ये देख लीजिए, ये रात में बहुत अच्छा दिखता है, चमकता है, और इसके अंदर भी है, देखिए ये मिरर में भी है जो आप लोगों को दिख रहा है, ये मिरर में भी है, और दोनों साइड है, इस साइड भी, और अलग अलग ये चेंज होता रहता है। देखिए इफेक्ट चेंज हो रहा है। तो यही है मिरर इंडिकेटर। तो आप लोग इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, अगर आप लोग अपना R15 को अच्छा एकदम मॉडिफाइड कराना चाहते हैं तो। ये मार्केट में फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा, मार्केट पर भी मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर ले लीजिएगा, और लुक वाइज बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए चौथे नंबर पे चलते। तो ये है आपका बबल वाइज़र, जो कि सिंपल वाले वाइजर बबल वाइज़र से बोल्ड लुक आपको देता है, आपका गाड़ी को बड़ा लुक देता है, और बहुत एरोडायनेमिक रहता है आपके सिंपल वाले बबल वाइज़र से। और ये अगर आप राइडिंग पोजीशन पर अगर चलाएंगे इस गाड़ी को, तो आपके ये हवा को आपका हेलमेट के ऊपर से पास कर देगा, आपके हेलमेट में हवा नहीं आएगा। तो इसका यही काम है, और लुक वाइज भी बहुत अच्छा दिखने में लगेगा। तो आप लोगों को लेना होगा तो ज़रूर लीजिएगा। तो ये है आपका R6 मास्क, जो कि लुक देता है गाड़ी को एक बहुत बढ़िया R1 जैसा लुक देता है। R1 जो है गाड़ी यामाहा का ही, R1 जैसा लुक देता है, बहुत सुंदर लगेगा। आप लोग लगाना होगा तो लगा सकते हैं, पहले मास्क से बहुत अच्छा है इसका। यहाँ पर आगे से यहाँ पर थोड़ा सा आँख जो है लाइट, मतलब
वो थोड़ा सा झप जाता है और लुक वाइज बहुत अच्छा दिखने में लगता है। ये है मोबाइल होल्डर जो कि बहुत काम की है, आप लोग ज़रूर लगाइएगा। आप लोग को भी पता होगा कि ये बहुत काम हमें आता है, तो लगाइएगा ज़रूर। तो चलिए, तो ये है आपका इंजन गार्ड जो कि इंजन को गार्ड करता है पूरे अच्छे तरीक़े से। और ये है आपका शू गार्ड जो कि गियर में लगता है, इससे शू बचा रहेगा आपका। और चलिए, और ये है रिम स्टिकर जो कि आप लोग को लगा के रखना है क्योंकि अब लुक देता है अच्छा गाड़ी को। और ये जो वाइट वाइट हुआ है इसमें पेंट किया गया है, एकदम छोटा छोटा चीज़ है जो कि अच्छा लुक देता है बाइक को, आप लोग ज़रूर लगाइए। और तो ये जो दो को यहाँ लगा है, ये मास्क के चलते यहाँ लगा है क्योंकि यहाँ पर मास्क लगाने पर पूरा ये जो एरिया है वो ढक जाता है लाइट का। तो ऐसे भी लाइट का थोड़ा रेंज कम है R15 का, इसीलिए ये वाला लगाने के बाद ये इसका लाइट देखिए पूरा अच्छा रात में वर्क करेगा आप लोग के लिए, ज़रूर लगाइए आप लोग। तो चलिए, ये था पूरे R15 का रिव्यू जो कि हमारा मॉडिफाइड वर्जन है। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अच्छा, ये सब बताने के बाद एक बार आवाज़ आप लोगों को सुनाना बनता है, तो आइए थोड़ा सा आवाज़ भी सुना दिया जाए। तो देख लीजिए, कैसा लगा साउंड आप लोगों को गाड़ी का ज़रूर बताना, और कैसा लगा मॉडिफिकेशन गाड़ी का वो भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो यही था फुल रिव्यू, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया मैं जानता हूँ। तो आप लोग से अगले दिन मिलेंगे फिर से एक नया फाड़ूदार वीडियो लेकर के। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।